future of India. And I think one day when India produces a World Cup winning team, if they ever do, but if one day when they do, it will be programs like this that really will have been a part of that success. And I really hope that Arsenal Football Club will be a part of this for a long, long time going forward. Thank you very much. आज के समय और वो भी दिल्ली जैसी जगह में बच्चों को ग्राउंड में निकालना, टीवी के आगे से हटा के और स्कूल के बाद में ट्यूशन से हटा के तो यहाँ फील्ड में लाना, और आपके कोचिज को कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ मैं, जितने भी कोच हैं आप जो बाहर से आए हैं, तीनों कोच आपको भी और जो यहाँ से हैं आप सबको भी, क्योंकि आपके बिगड़ तो कुछ नहीं हो सकता। हमेशा ऊंचा लक्ष्य रखो कि वहां पहुंचना, यह कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। मैं हमारे गुरुजी की भूख थी, जैसे हमारे फुटबॉल का ये एक, मैं पूछा कि आपको कैसे शौक लगा, बोला जी जैसे आपकी कुश्ती की भूख है ऐसे ही मेरी फुटबॉल की भूख है। मैंने यहाँ दिल्ली में जब एशियाड 82 में गोल्ड मेडल जीता तो जिसको मैंने फाइनल में हराया वो बास्को ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट था। लेकिन ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, हर चीज पॉसिबल है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक छोटा सा हॉस्टल बन जाए जिसमें कि इन बच्चों का रहने का खाने का, क्योंकि रिजल्ट कब आते हैं, जब आते हैं जब बच्चा 24 घंटे कोच की निगरानी में रहता है। सुशील कुमार क्यों तैयार हुआ, सुशील कुमार इसलिए तैयार हुआ कि वो 24 घंटे हमारी निगरानी में रहता था, क्या खाना है, कैसे सोना है, कितने बजे उठना है, कितनी ट्रेनिंग करवानी है। घर में तो आज बुआ सब अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं। हाँ सर, अगर ये यहाँ ग्राउंड में नहीं आएंगे तो कुछ बैड हैबिट्स, कुछ गलत चीज़ों में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ आने में ये है कि बस यही है कि भाई इनको कुछ, यही एक चैलेंज है कि इनको कुछ बनाना है, कुछ करना है इनके लिए कि पर्टिकुलर ये फुटबॉल प्लेयर बन सके अच्छा, और नाम कर रहे हैं अपनी फैमिली का भी। गुड फैसिलिटी आई हियर प्रोवाइड बाय आईवाईएसए एंड वी हैव गुड ग्राउंड व्हिच इज मेंटेन्ड बाय अरूप ऑल टाइम्स विद टू ग्राउंड्स एंड ऑल व्हिच इज रियली एक्सपेंसिव टू कीप ग्राउंड, आई डोंट नो हाउ ही इज मैनेजिंग थिंग्स, रियली थैंक्स टू हिम फॉर कीपिंग वी पीपल हियर एंगेज। सर, डू यू थिंक इनिशिएटिव्स लाइक दिस विल हेल्प इंप्रूव इंडियाज रैंकिंग्स इन द फुटबॉल? दिस इज द ओनली वे एंड द राइट वे बिकॉज़ दिस इज वेयर वी स्टार्ट एट द ग्रासरूट लेवल, दिस इज व्हाट एएफएल हैज बीन सेइंग फॉर वेरी लॉन्ग बट दे हैव नॉट बीन एबल टू रियली डू थिंग्स। हर एक प्लेयर के पास, हर एक बच्चे के पास एक एक बॉल होते हैं, कोचेस है, सफिशिएंट कोचेस है, किसी 10 के 12 के बच्चों में एक कोच होते हैं। हाँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सब कुछ जो बिल्कुल नियर बाई एरिया में मिल रहा है इन बच्चों के लिए, ये तो इन बच्चों की किस्मत बहुत अच्छी है। हाँ, जो मैं ये कहूँगा। हाँ, और इनके इनके फ्यूचर कुछ बच्चों के बहुत ब्राइट है अगर इनके फैमिली सपोर्ट मिले तो। हाँ, हमारी चलती रही। हाँ सर, तो इनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। ओके सर, ओके सर। अगर क्योंकि गवर्नमेंट की ज़मीन है। हाँ सर, अगर गवर्नमेंट ने हमारे को आगे देते रहे, अरूप सर को देते रहे। हाँ, तो ये बहुत अच्छा फ्यूचर है इनका, क्योंकि विद इन 2 ईयर्स इतना इम्प्रूवमेंट मैंने आज तक इंडिया में किसी भी अकेडमी में नहीं देखा। ठीक है सर। तो आप नजफगढ़ से आते हैं? Yes, तो आपको कितना टाइम लगता है यहाँ आने में? सर 2 घंटे। आप सबको इतना ही टाइम लगता? Yes, है। और कैसे आते हो? मैं बस खेलते सुबह 6:30 घर से निकलते, फिर वहाँ से स्कूल जाके डायरेक्ट हो जाते, फिर शाम को 8:30-8 बजे घर पहुँचते हैं। फैसिलिटी है सर, और बाकी क्लब में फैसिलिटी नहीं है सर। फैसिलिटी मतलब अच्छा, बॉल पोजीशन गेम सिखाते हैं। बचपन से ही फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता था। हाँ, यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ढूंढता था बहुत सालों से कि कोई फुटबॉल कोचिंग मिले, और यहाँ पर स्कूल से ही मुझे एक फॉर्म मिला यहाँ आने का बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर बहुत हमें सीखने को मिलता है। ठीक है। मैंने पादक को देखा, वो खेलते थे, उनको देख के मुझे लगा कि मैं भी कुछ बन सकता हूँ। फिर मैंने फुटबॉल स्टार्ट किया, उन्होंने मुझे नेहरू स्टेडियम में डाला। वहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा दिन प्रैक्टिस नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे कोचेस इतना अच्छे नहीं मिल पाए मुझे। फिर मैंने वहाँ से छोड़ा तो यहाँ पे न्यू दिल्ली जो स्टार्ट हो गया। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, सारे कोचेज अच्छे सपोर्ट करते हैं। जब
से मैं यहाँ पे आया हूँ इस एकेडमी में, मुझे लगता नहीं था मैं कभी नेशनल खेल पाऊँगा, मगर यहाँ पे आने के बाद मैंने इतनी मेहनत करी, अनुज सर ने मेरे ऊपर इतना ध्यान दिया कि मैं एक नेशनल खेल चुका हूँ और अभी भी मैं अंडर 16 के ट्रायल के लिए जा रहा हूँ नेशनल के लिए। एनी अदर स्पोर्टिंग फैसिलिटीज टू ट्रेन इन फुटबॉल और डू यू लाइक IYSA? Yeah, I like IYSA because the equipment, the kind of, you know, the players here available here, and the means the level of playing football here is quite huge. No. Regularly informed about the camps held, and recently the under 19 camp which I am attending, Harup sir told us that the under 19 camp is going to start and we went. पहले मेरे को क्रिकेट पसंद था तो मेरे को क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हुआ, फिर मैं फुटबॉल शुरू करा, फुटबॉल में आया, फिर मैं कीपर बनना शुरू करा तो बहुत इंप्रूव हो गया मेरा कीपर में, अली सर ने मेरे बहुत कर दिया। अली सर कहाँ पे हैं? सर आर्सेनल के कोच। तो आप कब ट्रेनिंग पाए थे उनसे? सर वो अभी आए थे, पिछले साल आए थे। हवा में उड़ा उड़ा के खेलते थे, ना कोई रोकते थे हम ऐसे बस, हमारे पूरे गेम में चेंज आया है, हम पहले जैसा खेलते थे उसका पूरा अपोजिट हमारा गेम हो गया कि हम शॉर्ट पासेस टर्न्स वगैरह सब अच्छी तरह करने लगे सर। ठीक है, ऐसे नहीं होता अगर आप यहाँ पे नहीं आ रहे होते तो क्या कर रहे होते आप? नहीं सर, हमने अभी तक फुटबॉल छोड़ दिया होगा। अगर IYSA नहीं होता तो आप शायद फुटबॉल नहीं खेल रहे होते? नहीं, मैं बहुत जगह गए था। हाँ। मैं ट्रायल देने के लिए। हाँ। वहाँ पर बहुत क्या बोलते हैं, फीस और वो बहुत सारे होते हैं, फॉर्मेलिटीज होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगा कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को फीस के बिना करवाते हैं और बहुत अच्छी कोचिंग होती है यहाँ पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। अगर IYSA नहीं होता, अगर यहाँ पे नहीं ट्रेन कर रहे होते तो आप ट्रेनिंग कहाँ पे लेते? नहीं पाता। कोई नहीं पाता?